हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैंने चिकन कोरमा बनाया है, लेकिन ये प्रीमिक्स से तैयार किया है। आज हम चिकन कोरमे का प्रीमिक्स तैयार करेंगे और उससे कोरमा भी। मैंने ये चिकन से बनाया है, आप इसे मटन या फिर एग या फिर चाहे तो बैगन से भी बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हम कुछ मसाले पीस लेंगे। उसमें मैं लूंगी 10 लौंग, इसमें मैं डालूंगी एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जायफल, मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, देख सकते हैं। हरी इलायची मैंने लिए है 6, ये मैं डाल दूंगी। सौंफ 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। इन सबको हम मिक्सी में पहले ग्राइंड कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। इसमें कुछ इलायची के छिलके हैं, अगर आप चाहें तो रखें या फिर निकाल दें। मैं थोड़े से निकाल देती हूँ ताकि ये बाद में ग्रेवी में ऊपर ना आए। वैसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप चाहें तो इसमें रहने दें। मैंने ये इलायची के छिलकों को निकाल लिया है। अब इस मसाले में हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। सारे मसालों को मैंने मिक्स किया है, मैं इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम 3 तेज पत्ते ऐड करेंगे, ये अच्छे ही रखेंगे हम थोड़े से। 4 मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और 3 लौंग, 1/4 टीस्पून मैं इसमें शाह जीरा डाल रही हूँ। ये सब हम अच्छे ही रखेंगे। अब हम इसे या तो आप इसे एयरटाइट जार में पैक कर सकते हैं या इस तरह का प्लास्टिक बैग लेके इसे पैक कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें पैक करके दिखाती हूँ। अब हम ये प्लास्टिक बैग में डालेंगे। अब हम इसे स्टेपल कर देंगे। रेडी है हमारा प्रीमिक्स कोरमा मसाला। आप इसे चिकन या मटन दोनों के साथ बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे एग के साथ भी कोरमा बना सकते हैं, या फिर कुछ इनोवेटिव करना है तो आप बैगन का कोरमा भी बना सकते हैं। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एयरटाइट जार में रख सकते हैं, या फिर इसी तरह से छोटे छोटे पैकेट बना के भी रख सकते हैं और जब भी चाहे कुछ ही पलों में इसे यूज़ करके कोरमा बना सकते हैं। मैंने 1/2 kg चिकन ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1/2 कप दही, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था, 3 प्याज का मैंने बिरिस्ता बनाया था और फिर उसे मिक्सी में पीस लिया था। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें हम। और ये जो मसाला हमने बना के रखा है ये 1 kg के लिए है, तो मैं आपको 1/2 kg का बता रही हूँ। तो मैं इसमें से अंदाजे से आधा डाल दूंगी। इसमें से हम थोड़े से तेज पत्ते पहले इसमें ऐड कर देंगे।
और 2½ चम्मच में इसमें डाल दूंगी। आप 1 किलो के लिए ये पूरा पैकेट इसमें ऐड करें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर दिया है, इसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। इसे हम भूनेंगे अच्छे से। चिकन को मसालों के साथ 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया। अब मैं फ्लेम को स्लो करूंगी और इसे ढककर कुक होने के लिए रखूंगी। हम इसे चेक कर लेंगे। चिकन अच्छे से पक गई है हमारी। इस वक्त पे हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लूंगी। हमने चिकन का मैरिनेट करते वक्त भी डाला था। मिक्स कर लूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। और फिर एक बॉइल ले लेंगे। इसमें डालेंगे हरा धनिया, चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी क्रश करके डाल सकते हैं। इसे मिक्स करूंगी। ये रेडी है तो अब मैं फ्लेम को बंद करके इसे डिश आउट करूंगी। रेडी है हमारा प्रीमिक्स से बना चिकन कोरमा। देखा आपने कितना आसान था प्रीमिक्स बनाना और फिर उससे चिकन कोरमा बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।